अब बात करते हैं भोपाल की, जहां के मिसरोद इलाके में बस ड्राइवर की मर्डर मिस्ट्री का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसे सांप ने नहीं काटा था बल्कि उसके दोस्त ने ही मार डाला। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने दोस्त के बिस्तर के पास मरा हुआ कोबरा सांप रख दिया था। जहां जांच में सामने आया है कि ड्राइवर के मुंह और नाक में कपड़ा ठूस कर उसकी हत्या की गई है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि शराब पीने के दौरान दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा, जिसका बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। मामले में एडिशनल DCP राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि चांदवाड़ी बस्ती पिपलानी निवासी 43 वर्षीय नवल सिंह उर्फ भारत स्कूल बस का ड्राइवर था। 8 जुलाई की रात उसने बाग सेवनिया शराब दुकान में अपने 3 दोस्तों के साथ शराब पार्टी की। 2 दोस्त घर चले गए, जहां देर रात होने की वजह से नवल सिंह को जाट खेड़ी में रहने वाले उसके दोस्त संदीप बाघमारे ने कहा कि मेरे घर में सो जाओ। नवल उसके साथ चला गया। अगले दिन संदीप ने पुलिस को सूचना दी कि नवल की मौत हो गई है, उसने हार्ट अटैक की आशंका जताई। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटना स्थल पर पुलिस को नवल के बिस्तर के नीचे मरा हुआ कोबरा सांप मिला। पुलिस को लगा कि शायद सांप के काटने से ही उसकी मौत हो गई। सांप को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मंगलवार देर शाम आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि मौत दम घुटने से हुई है। उसके नाक मुंह में कपड़ा रखा गया होगा, जो मौत की वजह बनी। नवल के साथ रात में पार्टी करने वाले उसके 2 दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस संदीप पर ही हत्या करने की पूरी आशंका जता रही है। हालांकि अब तक उसने हत्या की बात नहीं कबूली है। साक्ष के लिए पुलिस संदीप के मोबाइल कॉल की डिटेल भी खंगाल रही है। वहीं अभी बिसरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जांच और आगे बढ़ाएगी। वहीं घटना के दिन संदीप का परिवार दूसरी झुग्गी में था। एडिशनल DCP राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि 1 महीने में अधिकतर दिन नवल अपने घर नहीं जाता था, वो अपने दोस्तों के घर में ही पड़ा रहता था। नवल का परिवार पिपलानी इलाके में रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़। इसी बीच में PM जो कराया गया था, जो PM में रिपोर्ट जब कल मिली तो उसमें डॉक्टर के द्वारा जो स्पष्ट किया गया है कि मुंह में कपड़ा ठूस करके मारा गया है, यानी कि इस मौतरिंग का केस बताया है। और ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने हत्या का केस रजिस्टर करके उसके जो दोस्त हैं जिनने साथ में ड्रिंक की थी, जो रात में जिसके यहाँ रुका था, वो सबसे पूछताछ जारी है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।